Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर आज युवा कांग्रेस के सदस्यों ने अनाज वितरण कार्यक्रम रखा. इसमें मैं भी शरीक हुआ. राहुल गांधी जी को हम बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि वे देश के लिए जो कर रहे हैं उसे और अधिक करें और देश को जो एक नई चेतना और जागृति दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं. हम राहुल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं. आज राहुल गांधी जी के जन्मदिवस पर हमने सभी यूथ कांग्रेस अजमेर ने बहुत सादगी से राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया है. और जन्मदिन के साथ में जिस तरह से जो चीन ने जो हमला किया है हमारे सैनिकों पर, उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है. और यहाँ पर जो युवा जो कुछ भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए थे वो बीजेपी की विचारधारा से त्रस्त होकर के, और जो मोदी जी ने जो उनको रोजगार का वादा करके युवाओं को अपने साथ धोखे के साथ अपने साथ किया था, तो आज युवा समझ रहा है. युवा सब कुछ समझ चुका है. उनकी जिस तरह से वो झूठ बोल करके उन्होंने युवाओं को भुगलाया था, तो आज युवा उनसे त्रस्त होकर के धीरे धीरे यूथ कांग्रेस से आज जुड़ रहा है. और इसी के तहत आज 15 से 20 युवक हमारे भाजपा के आईटी सेल के लोग हमारे यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं. और इसके बाद हमारा कार्यक्रम जो गरीब जो लोग हैं बच्चों का, राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनको आटा राशन वितरित करेंगे, गरीब लोगों को उनका जन्मदिन मना करके और सादगी से मनाएंगे. और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे इस जो चीन का जो घटना हुआ है जिस तरह से, उसमें अभी तक भी वो सैनिकों को ये कह रहे हैं कि मरते मरते मर गए. अरे शहीद हुए हैं सैनिक, कोई मरे नहीं है, सैनिक शहीद हुए हैं. तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना बताते थे, आज उनका 36 इंच का सीना भी नहीं रह गया है. और हम उनको सेम करते हैं, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहिए, हमें बदलाव चाहिए. और युवा इसी आशा के साथ में राहुल गांधी जी का जन्म मनाया बहुत बड़ी सादगी से. डॉक्टर सुनील लारा. हेलो 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 हे